हेलो गाइस वेलकम टू यू पी एस सी प्रिंस आज है हमारे डे सेवन ऑफ डेली सी सेट प्रैक्टिस डेली सी सेट प्रैक्टिस पर हम 2023 का पेपर सॉल्व करते हैं इसमें से हम टू पैसेजेस ओके okay, टू पैसेजेस प्लस, प्लस फोर कॉन्स प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ओके okay? तो चलो लेक्चर के लिए स्टार्ट करते हैं तो आज हमारा फर्स्ट <coughs> क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी तो क्वेश्चन नंबर थर्टी में पैसेज दे रखा है ओके सेकेंड पैसेज है क्वेश्चन नंबर थर्टी तो यहाँ पे हम लोग हमारा जो हमेशा फॉलो करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करें करेंगे स्टेटमेंट्स रीड करेंगे और उसके बाद पैसेज रीड करेंगे क्योंकि अगर हम कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट निकाल सकते हैं तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं ओके okay? तो चलो पढ़ते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज कन्वर्ट बाय द ऑथर टू द पैसेज ऑथर ऑफ द पैसेज देखो अब उन्होंने क्या बोला है कि रैशनल ओके रैशनल प्लस प्रैक्टिकल मैसेज है ठीक है मैसेज है तो मैसेज क्या होगा मैसेज कभी नेगेटिव नहीं होगा ओके okay. मैसेज कभी नेगेटिव नहीं होगा कभी वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा किसी को ओके okay. और वो एक वे फॉरवर्ड के पार्ट में होगा वे फॉरवर्ड या फिर सोल्यूशन बेस्ड ओके तो चलो देखते इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रोमोटेड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर कन्वेंशनल फार्मिंग ये आ गई नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे नेगेटिव टोन है तो ये तो नहीं होना चाहिए देर आर नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइजर्स यहाँ पर भी नेगेटिव टोन है तो ये भी नहीं होगा ओके तो नेगेटिव टोन हमें देखना ही नहीं है पहले तो इसमें ओके देन नेक्स्ट इन इंडिया फार्मर नीड्स टू नीड नीड्स टू बी गाइडेड एंड हेल्प्ड टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल देखो ये जो है पॉजिटिव टोन है प्लस एक सोल्यूशन बेस्ड स्टेटमेंट है तो ये हो सकता है इसको एलिमिनेट नहीं करते आगे बढ़ते है. द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी जनरेटेड यूज प्रॉफिट एज देर इज अ स्टिल नो ग्लोबल मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट ये भी नेगेटिव है तो मुझे क्या मिला हो मुझे तीन नेगेटिव और एक पॉजिटिव तो मैं नाइनटी परसेंट श्योर हूँ कि मेरा आंसर सही रहेगा बट एक बार कन्फर्म करने के लिए मैं पैसेज पढ़ूँगा देर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहटली सेफ एंड हेल्थियर the result is that because of organic farming industry is still young and not well regulated in india farmer and consumer alike are not only confused about what products are best for them but sometimes use products in a way that could harm them as well for example since organic fertilizers are difficult to obtain on a large scale in india farmer often use farmyard manure which may contain toxic chemical and heavy metals certain plant sprays such as the datura flower and leaf spray have an element called atropine. If not applied in the right dose, it can act as act on the nervous system of the consumer. Unfortunately, how many and when to use are not well researched or regulated ideas. तो यहाँ पे global market के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो ये हट गया, ठीक है? यहाँ पे भी बोला नहीं है कि भाई आ, ये जो conventional farming को substitute नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या इन इंडिया फार्मर ने टू बी गाइडेड हेल्प जरूर है गाइड करना चाहिए ना ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तो यही तो वो बोल रहा है कि उनको ढंग से पता नहीं है तो गाइड करना चाहिए तो हमारा आंसर विल बी सी सिंपल था गाइज चलो आगे बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अजम्पन दे रखा है अजम्पन चलो फर्स्ट देखिए टू इम्प्लीमेंट द डी एंड टू अचीव जीरो हंगर गोल मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर इनएविटेबल इवन इफ दे डू नॉट एड माल न्यूट्रिशन देखो ये इनिविटेबल जो वर्ड होता है ना ये काफ़ी खुद में अपने में ही एक्सट्रीम वर्ड है ठीक है एंड दे डू नॉट एड्रेस ओके डू नॉट एड्रेस ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो इसको होल्ड पे रखते हैं ठीक है ये पॉजिटिव भी हो सकता है एज इन ये पैसेज में दिया रहेगा तो हो सकता है नहीं तो ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है डिपेंडेंसी ऑफ फ्यू क्रोव नेगेटिव इको फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इको काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है काफ़ी जनरल स्टेटमेंट इसमें कुछ इशू नहीं है आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीच टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज ये भी एक पॉजिटिव प्लस एक सोल्यूशन बेस्ड स्टेटमेंट है ठीक है कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज में ये ये इंक्लूड करना चाहिए ओके नेक्स्ट फॉर बेस्ट मोनोकल्चरल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फार्मर रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस एंड गवर्नमेंट ऑफर रिमिनेटिव प्राइजेस फॉर ग्रेन्स एंड देर दे डू नॉट टेंड टू कंसिडर क्रॉप डाइवर्सिटी यहाँ पे तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे तो मैंने क्या कहा था क्रिटिसिज्म नहीं होता है तो ये भी होल्ड पे रखते हैं तो मुझे दो जनरल स्टेटमेंट दिख रही है और दो एक्शन स्टेटमेंट मैं पैसेज पढूंगा पैसेज से मुझे काफ़ी क्लियर होगा कि क्या और क्या दिया है फूड कंजम्शन पैटर्न हैव चेंज सब्सटेंशियल इन इंडिया और द पास्ट फ्यू डीट्स दिस हैज रिजल्टेड ओके दिस हैज मिलेट्स While food grain production has increased over five times since independence, it does not sufficiently address the issue of malnutrition. For long, the agriculture sector focused on increasing food production, particularly staples, which led to low production and consumption of indigenous traditional crops, grains, okay, fruits, and other vegetables, impacting food and nutrition security in the process. Further, intense monoculture agriculture practice can परपेचुएट द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रॉब्लम बाई डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड वॉटर एंड फूड डिप्राइड थ्रू दताओ एच डी के एच डी जी के बारे में कुछ बोला है जीरो हंगर के बारे में कुछ बोला है मुझे कहीं पर कुछ नहीं मिला तो वन तो नहीं रहेगा तो वन गया तो ये गया और ये गया अब मुझे क्या दिख रहा है मेरा थ्री तो ट्रू है तो मैंने थ्री को ट्रू कर दिया अब मेरा टू और फोर में कन्फ्यूजिंग है अब मैं टू और फोर को पढ़ता हूँ कि मुझे इसमें से क्या मिलता है यहाँ पे लिखा है टू प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फार्मर रिसोर्स सब्सिडी इन वेरियस फार्म गवर्नमेंट ऑफर यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रखा है कि गवर्नमेंट उसको मोनोकल्चर प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीजें करती है ये तो कुछ दिया ही नहीं है पैसेज में ओके अब बट क्वेश्चन नंबर टू भी तो सही होनी चाहिए ये भी देखते हैं हम लोग द डिपेंडेंस ऑफ फ्यू क्रॉप्स क्रॉप हैजेटिव इकोसिस्टम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इको ये लाइन दिख रही है आपको न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रॉब्लम बाय डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड वाटर एंड फूड डिप्राइड थ्रू देम तो यही तो ये चीज़ बोल रही है तो मेरा आंसर हो जाएगा इसका बी ओके okay? तो इसको आप ऐसे करोगे ना एक्सट्रीम जनरल क्रिटिसिजम पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टोन पॉजिटिव टोन आपका पैसेज बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या लिखा है ए इज ओल्डर देन बी सी ओके क्या क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन तो देखो जब भी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना हाउ मेनी स्टेटमेंट हेज रिक्वायर्ड तो सबका अलग अलग आप निकाल लो ठीक है तो जैसे कि स्टेटमेंट वन को मैं क्या करूंगा ए इज ओल्डर देन बी ठीक है ए इज ओल्डर देन बी ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट क्या है सी एंड डी इज ऑफ सेम एज ये भी ठीक है थर्ड स्टेटमेंट क्या है ई इज द यंगेस्ट ई इज द यंगेस्ट मतलब ये यहां पे ई यहां पे ये कर लो ताकि पता चले ई इज द यंगेस्ट आगे क्या है एफ इज यंगर देन डी मतलब डी बड़ा है ठीक है मतलब डी कौन है डी बड़ा एफ से एफ इज एंग यंगर देन डी ना तो डी बड़ा एफ से तो ये हो गया और उसके बाद एफ इज ओल्डर देन ए एफ इज ओल्डर देन ए देखो मैंने जितने भी सिंबल्स ले रखे हैं ना वो एक ही डिरेक्शन में ले रखे क्यों क्योंकि मुझे चीजें समझने में काफी आसानी हो सके अब चलो अब एक एक स्टेटमेंट से देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं ओनली टू स्टेटमेंट तो सबसे पहले मैं एक मुझे पहले आंसर आ रहा है या नहीं मैं पहले वो देखता हूँ ठीक है तो क्या है बी इज़ ग्रेटर दैन है तो मैंने यहाँ पे बी इज ग्रेटर दैन ए लिखा ये मेरी स्टेटमेंट वन हो गई सी इज ग्रेटर दैन डी यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है अब यहाँ पे ये मुझे रिलेशन मिल रहा है ए इज़ ग्रेटर एफ इज ग्रेटर दैन ए तो ये मेरी सेकेंड स्टेटमेंट हो गई अब एफ से रिलेटेड यस yes, मुझे और एक स्टेटमेंट मिल गई डी ये मुझे थर्ड स्टेटमेंट मिल गई और इसके बाद मुझे क्या मिला ये सेकेंड स्टेटमेंट ओके सी सी इज़ इक्वल टू डी ये मेरी हो गई सेकेंड स्टेटमेंट ओके ये मेरी सॉरी एफ इज ग्रेटर दैन ये ये कौन सी मेरी फिफ्थ स्टेटमेंट थी ना यस yes. अब देखो अब मेरी सेकेंड स्टेटमेंट बच गई सॉरी uh, अब मेरी थर्ड स्टेटमेंट बच गई है ई इज़ यंगर देन ई इज़ द यंगेस्ट मतलब ई e मेरा कहाँ पे यहाँ पे लगेगा ये मेरी फिफ्थ स्टेटमेंट अब देखो अगर मेरे पास ओनली दो स्टेटमेंट होते तो ये पॉसिबल होता क्या तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता ठीक है तो मुझे ऑल फाइव स्टेटमेंट चाहिए देखो मैं बताता क्यों अगर ये लोग मुझे ये वाली स्टेटमेंट नहीं देते ई इज द यंगेस्ट तो मैं मैं यहां पे ई e को ओल्डेस्ट पे भी लगा सकता था क्योंकि पूरे सिजारों में मुझे ई e नहीं दिख रहा है ठीक है तो ये मुझे फिफ्थ स्टेटमेंट चाहिए और ये जो सारी ये है इसके वजह से मुझे ये चाहिए क्योंकि इनके वजह से कुछ ना कुछ तो रिलेशन बन रहा है ठीक है अगर मैं बोलूंगा कि ये तीन स्टेटमेंट है ये तीन स्टेटमेंट है ये अपने ही रिलेशन बना रही है मतलब तीन स्टेटमेंट तो चाहिए ही चाहिए बट अगर मेरे पास ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं रहती तो मुझे नहीं पता चलता सी की पोजीशन क्या है तो इसके वजह से मुझे वो भी चाहिए फिर तो उसके बाद मुझे ये थर्ड स्टेटमेंट भी चाहिए क्योंकि मुझे ई की पोजीशन भी पता होनी चाहिए अगर मुझे ई की पोजीशन नहीं पता तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा ठीक है तो मैं आंसर विल बी डी क्लियर है गई चलो आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है कि consider the following including the question and the statement there are five members a b c d e in a family what is the relation of e to b e ka b ke sath relation kya hai sabse bola hai a and b are married couple b is the father of c e is d's son and a and c are sisters which of the following are correct in respect to the matlab मतलब, same statement one statement to kitni chahiye to sabse pehle main aapko ek basic clear kar deta hu theek hai jab bhi main मेल को लिखूंगा तो मैं स्क्वायर से डिनोट करूंगा और फीमेल को अगर मुझे लिखना है तो मैं सर्कल से डिनोट करूंगा और अगर इन दोनों में मुझे शादी दिखानी है तो मैं डबल लाइन से दिखाऊंगा और अगर ये दोनों भाई बहन होंगे सिबलिंग्स होंगे ए और भी समझो सिबलिंग्स है तो मैं सिंगल लाइन से डिनोट करूंगा ओके इतना क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट वन टू थ्री और फोर चार स्टेटमेंट दे रखे क्या लिखा है ए एंड बी इज अ मैरिड कपल ए एंड बी मैरिड कपल है उनका जेंडर दे नहीं रखा है बस ए और बी मैरिड कपल बोला है तो इसके लिए मैंने मैरिड कपल लिख लिया अब बोला है डी इज अ फादर ऑफ सी डी तो कौन है डी इज अ फादर है किसका सी का फादर है तो मैंने ऐसा लिखा डी को फादर बना दिया मतलब मेल बना दिया ई इज डी सन डी का सन है ई e. ठीक है मतलब ई e का भी जेंडर मिल गया सन है मतलब लड़का है ओके एंड आगे क्या है ए एंड सी आर सिस्टर्स ए और सी सिस्टर है सिस्टर है मतलब दोनों भी गर्ल्स है अब देखो अब मुझे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट द अबाउट क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स कितने स्टेटमेंट सही चाहिए मुझे उनका रिलेशन लगाने के लिए देखो तो स्टेटमेंट वन टू एंड थ्री आर सफिश टू आंसर द क्वेश्चन देखो स्टेटमेंट वन टू एंड थ्री अब वन में देख रहा हूं ए इज इक्वल टू बी तो है बट इसके बाद का मुझे रिलेशन ही नहीं दिख रहा मैं ए और बी और डी और सी को कैसे रिलेट करूं मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो यह नहीं हो सकता अब देखो वन थ्री एंड फोर वन ले लिया मैंने थ्री ले लिया और फोर ले लिया ए और सी ठीक है यहां से मुझे एक रिलेशन दिख रहा है कौन सा रिलेशन दिख रहा है ए इज इक्वल टू बी ठीक है यहां पे सी आ जाएगा ठीक है यही रिलेशन दिख रहा है इसके बाद का रिलेशन मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है कहीं पे भी नहीं लग रहा है ये डी ऑर ई का क्या रिलेशन है ये मुझे दि, दिखाई नहीं दे रहा है ओके तो मैंने ये भी हटा दिया अब देखो ऑल फोर चेकआउट करता हूँ ठीक है ए इज इक्वल टू बी ओके उसके बाद मुझे ए और बी और अच्छा ये सी का एक रिलेशन मिल गया यहाँ पे और दोनों सिस्टर्स है ये फोर्थ रिलेशन यहाँ पर लगा दिया मैंने अब बी अब ठीक है अब मुझे क्या रिलेशन दे रखा है उन्होंने डी इज अ फादर ऑफ सी ठीक है डी इज अ फादर ऑफ सी मतलब ये जो डी है ठीक है डी इज अ फादर ऑफ सी मतलब मैं थोड़ा साइड में निकाल लेता हूँ जगह कम पड़ रही है यहाँ पे वापस से कर लेता हूँ ठीक है ए इज इक्वल टू बी ये क्लियर है ये लिखा है तो मुझे यहाँ से सी और ए का रिलेशन मिल गया तो सी और एंड सी आर सिस्टर्स स्टेटमेंट नंबर फोर से मिल गया अब स्टेटमेंट नंबर टू से मुझे इतना पता चल गया डी इज द फादर ऑफ सी मतलब डी का ये रिलेशन मिला और स्टेटमेंट थ्री से मुझे क्या मिला स्टेटमेंट थ्री से मिला कि ये तीनों कौन है siblings है क्योंकि ये भी देखो ये भी डी का ही सन है ना ई e तो डी का ही सन है अब देखो अब मुझे रिलेशन मिल रहा है ई e और बी का रिलेशन मिल रहा है तो ये अगर ए अगर फीमेल है तो बी कौन होगा बी तो मेल होगा बाई डिफॉल्ट ठीक है यहां पे बी और बाई डिफॉल्ट मेल होगा तो ई e और बी का रिलेशन दिख रहा है मुझे दिख रहा है ब्रदर इन लॉ ठीक है देन ऑल फोर स्टेटमेंट आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन ओके चलो आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है चूज अ ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम दस अदर्स 17, 37, 47, 97, 31, 41, 93, 67, 71, 73, 79, 83, 83, 89, 91, 97. अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ जब भी मुझे ऐसे नंबर्स आ गए तो मैं ऐसा करता हूँ थर्टी सेवन फोर्टी सेवन नाइन्टी सेवन ठीक है हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितने का ट्वेंटी का डिफरेंस है इसमें कितने का डिफरेंस है टेन का डिफरेंस है इसमें कितने का डिफरेंस है फिफ्टी का डिफरेंस है ओके फिफ्टी okay. का ही है ना यस yes, फिफ्टी का है ये हो गया फर्स्ट अब सेकेंड ठीक है सेकेंड क्या है थर्टी वन फोटी वन फिफ्टी थ्री और सिक्सटी सेवन टेन का डिफरेंस है ये नाइन एलेवन ट्वेल्व थर्टी नाइन एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन थर्टीन का डिफरेंस है और ये सेवन और सेवन फोर्टीन का डिफरेंस है ठीक है यहाँ पे ये यह एक मिल गया अब नेक्स्ट क्या देखो सेवनटी वन सेवेंटी थ्री सेवनटी नाइन एटी थ्री थ्री का डिफरेंस है सिक्स का डिफरेंस है और सेवनटी नाइन एटी एटी वन एटी एटी वन एटी टू एटी थ्री फोर का डिफरेंस है यहाँ तो कुछ रिलेशन ही नहीं लग रहा है ठीक है फोर्थ भी करके कोई सेंस नहीं बनता रिलेशन लग ही नहीं रहा है बट मुझे यहाँ पे एक दिखाई एक चीज़ दिखाई दे रही है सेवनटीन भी प्राइम नंबर है थर्टी सेवन भी प्राइम नंबर है फोर्टी सेवन भी प्राइम नंबर नाइन्टी सेवन भी प्राइम नंबर है थर्टी वन फोर्टी वन फिफ्टी थ्री सिक्सटी सेवन ये सारे प्राइम नंबर है उसके बाद अगेन सेवनटी वन सेवनटी थ्री नाइन एटी थ्री ये भी प्राइम नंबर है उसके बाद एटी थ्री प्राइम नंबर है एटी नाइन प्राइम नंबर है नाइन्टी वन भी प्राइम नंबर है क्या नाइन्टी वन प्राइम नंबर है देखो ट्राई करो नाइन्टी वन क्या हो जाता है थर्टीन इंटू सेवन कितना हो जाएगा यस इज नॉट अ प्राइम नंबर ठीक है तो मेरा आंसर डी हो जाएगा ओके okay? तो मुझे इससे ये रिलेशन मिल गया क्लियर है तो आपको बस चौकन्ना रहना है कि देखना है कि, कि किसका क्या रिलेशन बनते जा रहा है चलो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है अब प्रिंसिपल पी बिकम क्यू इन वन ईयर वेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली विथ आर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सेम प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू सेम बन रहा है सेम क्यू बन रहा है वापस इन वन ईयर इन कंपाउंडेड एनुअल विथ एस एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके अपॉन हंड्रेड टू एन इन टू टी ठीक है एन मतलब कितने बार वो कंपाउंड कर रहे हैं हम लोग और टी कितना करना है ठीक है अब देखो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं ठीक है क्या बोला है कि पी इज द प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू ओके ठीक है मतलब क्यू बन गया मेरा प्रिंसिपल पी ओके ये मेरा अमाउंट है ना वो एंड में जो मुझे आ, मिल गया और ये मेरा प्रिंसिपल है ठीक है वन प्लस क्या बोला है वेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली विद द एनुअल आर परसेंट मतलब आर परसेंट ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन हंड्रेड और हाफ ईयरली हाफ ईयरली मतलब क्या ठीक है हाफ ईयरली मतलब क्या मेरे जो परसेंट को दो बार करूंगा मैं आर बाय टू ठीक है और वो कितने बार रिपीट हो रहा है दो बार रिपीट हो रहा है एक साल के लिए तो ये इसका स्टेटमेंट वन बन गया अब क्या बोला है नेक्स्ट इफ द प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू वापस क्यू ठीक है प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू इन वन ईयर वन कंपाउंडेड एनुअली वेन कंपाउंडेड एनुअली बोला है मतलब एस बन जाता है अपॉन हंड्रेड अपॉन ठीक है ये हो गया वन अब देखो अब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है स्टेटमेंट वन इज इक्वल टू स्टेटमेंट टू कर दो क्योंकि क्यू क्यू तो बन ही रहा है ठीक है क्योंकि उनका दो ये दोनों की वैल्यू तो सेम ही है ओके okay, तो मैं उनको सामने आमने सामने आमने रख सकता हूं पी इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन टू हंड्रेड लिख लेता हूं ठीक है कोई बात नहीं ये आर को नीचे लेके आ गया मैं इज इक्वल टू पी इंटू पी इंटू वन प्लस एस अपॉन हंड्रेड और ये तो रह गया टू इंटू वन ये टू मेरा अब देखो अब मेरा यहां पे पी और पी कैंसिल हो जाता है अब मुझे देखना है कि पी ग्रेटर है फिर एस ग्रेटर है उसके लिए मैं क्या करूंगा उसके लिए मैं क्या करता हूं कि एस की एक वैल्यू सब्सिट्यूट कर देता हूं ठीक है एस सॉरी आर की एक वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं आर की वैल्यू समझो मैं टू हंड्रेड कर दी ताकि मुझे कट कैंसिल करने में इजी हो जाएगा तो वन प्लस टू हंड्रेड अपॉन टू हंड्रेड रेस्ट टू टू इज इक्वल टू वन प्लस एस अपॉन हंड्रेड ये क्लियर है इसको और मैं सॉल्व करूंगा ये ये कैंसल ये वन हो जाएगा तो वन प्लस वन टू टू रेस टू टू ओके टू रेस टू टू इज इक्वल टू वन प्लस एस अप सॉरी हंड्रेड अपॉन एस अपॉन हंड्रेड ठीक है ये ये क्लियर है अब देखो अब ये फोर हो जाएगा ये फोर हो जाएगा और ये मैं हंड्रेड यहाँ पे लेके जाऊंगा तो कितना फोर हंड्रेड हो जाएगा इज इक्वल टू हंड्रेड प्लस एस तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी एस की वैल्यू मुझे थ्री हंड्रेड मिल जाएगी एस की वैल्यू थ्री हंड्रेड मिल रही है और फिर मुझे P की R की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे 200 हंड्रेड मैंने एज्यूम कर ली थी तो देखो मुझे क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है मैं एस इज ग्रेटर देन R ओके okay? सिंपल है सिंपल क्वेश्चन था कुछ नहीं था बस थोड़ा सा बेसिक पे खेल रहा था इन सबको ठीक है गाइज थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो न, वीडियो पे मैं आपके लिए आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच